अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिन अब्बास और आप देख रहे हैं 24x7 जो आप तक पहुंचाए सच्ची खबरें। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। नाज़रीन, जैसे कि आप सब जानते हैं, इलेक्शन सर पर है। इस टाइम पे हर कोई यही चाहता है कि उनका लीडर अवाम के बीच रहकर अवाम की परेशानियों को सुनने वाला हो और उन परेशानियों को हल करने वाला हो। नाज़रीन, आपके बीच कई लोग आएंगे, लेकिन इस बार आपको ऐसे शख्स का इंतखाब करना है जो आने वाले सालों में आपके मसाइल को हल करना जानता हो। तो इलेक्शन के अंदर हमको अपनी पसंदीदा जमात के पसंदीदा आदमी को सुनने का वक्त है। तो ये वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने फिर एक मरतबा आपके सामने, मोहम्मद हफीज़ पटेल को फिर एक मरतबा आपके सामने रखा है, जो कि आपके लिए कोई नया चेहरा नहीं, जो उसको आप बेहतर अंदाज में जानते हैं और बेहतरीन अंदाज में आपके तमाम इलाकों के काम मुकम्मल हो चुके हैं, पानी की लाइन का काम मुकम्मल हो चुका है। अब सिर्फ हमको यहाँ पर वो तमाम बातें बताने से ज़्यादा अफजल ये है कि इस वक्त पे हमको ये काम किस तरीके से करना है, क्योंकि वक्त कम है, कम वक्त में ज़्यादा हम कैंपेनिंग नहीं कर सकते, ज़्यादा लोगों के घरों तक पहुँच नहीं सकते और ज़्यादा लोगों तक जो जलसे जुलूस के ज़रिए हम आप तक पैगाम नहीं पहुँचा सकते। तो हमारा पैगाम सिर्फ ये है कि आप तमाम के तमाम इस मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिपाही बने और हर आदमी जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से मोहब्बत रखता है वो खुद आगे बढ़कर काम करने की कोशिश करे। और ये काम कैसे होगा, क्योंकि सिर्फ हमारे पास 8 दिन बाकी है और इस 8 दिन के अंदर आज का पहला दिन हमारा मुकम्मल हो गया। कल जब हम निकलेंगे तो बिल्कुल हमारे पास कम वक्त रहेगा, बिल्कुल 29 तारीख को काम ख़त्म भी हो जाएगा। तो हमारा मकसद ये है कि हम एक ऐसे तरीके से काम करने की कोशिश करें कि एक दूसरे को जकड़ते जाए, एक दूसरे को साथ लेते जाए, एक दूसरे का साथ बनते जाए, बनकर जहाँ कहीं मौका मिले वहाँ पर ग्रुप मीटिंग की कोशिश करें, जहाँ कहीं मौका मिले एक दूसरे को समझाए बताए कि बैलेट पेपर में हमको कैसे वोट डालना है। क्योंकि अभी जो इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन के अंदर हमको वोट डालने का जो है वो बैलेट पेपर के जरिए है, ईवीएम मशीन के जरिए हम वोट डालते थे। तो ईवीएम मशीन का सिस्टम जैसे यहाँ पर रोका गया कोविड-19 की वजह से, तो फिर हमको बैलेट पेपर से वोट डालना है। तो एक ज़माना हो गया, जो लोग पहले डाले हैं उन्हें मालूम है कि बैलेट पेपर पे हमको वोट कैसे डालना है, लेकिन अब जबकि न्यू जनरेशन है, नए नौजवान बच्चे हैं, तो इनको पता नहीं कि हम बैलेट पेपर पे वोट कैसे डालें। अगर वो सारी चीज़ें देखें भी तो कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, कुछ ऐसी नज़ाकतें होती हैं जिसकी वजह से हमारा वोट ख़राब ना हो पाए। तो उसके लिए हम आपको यहाँ पर समझाने के लिए आए हैं, वरना आप तमाम के तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक मजबूत सिपाही हैं और हर चीज़ से वाकिफ़ हैं। तो आप जब हम बूथ को जाएंगे वोट डालने के लिए, तो हमारा सबसे पहला तरीक़ेकार ये होगा कि जब हम अपनी चिट्ठी देने के बाद में बैलेट पेपर आपके हाथ में थमा दिया जाएगा और वहाँ पर एक स्टैम्प के साथ एक स्वास्तिक का निशान बना हुआ एक आपको छोड़ा दिया जाएगा, वो लेकर जब आप उस पर स्टैम्प मारने के लिए आपके बॉक्स में अंदर जाएंगे तो आप अपने निशान को देखेंगे, पतंग को, जब पतंग के निशान को देखेंगे उसके ऊपर। देखते रहिए S24x7 जो आप तक पहुंचाए ऐसी ही कुछ मुख्तसर लेकिन सच्ची खबरें। खुदा हाफिज़, जय हिंद।